हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी यू एंड हियर आई एम डॉली। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ में, मेरे पास में ये बॉडी लोशन जो है विश केयर का जो बॉडी लोशन है एंड जो सनस्क्रीन है विश केयर की, सो इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे हैं, और जो विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स में जो एक अच्छा बॉडी लोशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें कैसा बॉडी लोशन हमें यूज़ करना चाहिए और ये बॉडी लोशन क्या डिफरेंट है दूसरे बॉडी लोशन से। सो गाइज, यही मेरी आज की वीडियो है। सो गाइज, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं, सो गाइज प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे एक बेल आइकन का आइकॉन बना होगा, उसे प्रेस करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए और कुछ इन्फॉर्मेशन लगे, इससे इन्फॉर्मेटिव लगे आपको, तो प्लीज एक लाइक और थम्स अप जरूर दीजिएगा। सो गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप अस मोटिवेटेड। सो गाइज, जस्ट मूव ऑन टू माई टूडेज वीडियो गाइज। सो ये है विश केयर की AHA एंड BHA बॉडी लोशन। एंड ये जो बॉडी लोशन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉडी लोशन है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका रिव्यू आज आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर है 10% AHA ब्लेंड एंड 1% सैलिक एसिड एंड नियासिनमाइड एंड ग्रेपफ्रूट एंड ब्लूबेरीज। एंड ये जो बॉडी लोशन है ये जो है, इसकी कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी बहुत ज़्यादा थिक है कंसिस्टेंसी। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है। जो नॉर्मल जो बॉडी लोशन होते हैं ना, उनकी कंसिस्टेंसी और इसकी कंसिस्टेंसी में बहुत डिफरेंस है। ये देखिए, बहुत ही क्विकली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होती है। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बिल्कुल माइल्ड फ्रेगनेंस है। आप इजीली इसको लगा पाएंगे, इजीली यूज़ करेंगे इसको। फ्रेगनेंस से अगर आप बिल्कुल माइल्ड फ्रेगनेंस पसंद करते हैं तो इसकी फ्रेगनेंस से आपको कोई भी इशू नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो बॉडी लोशन है ये, अगर जैसे कि आपके जो लेग्स हैं वो बहुत, आपकी जो बॉडी है जिसमें आपको लगता है ना बहुत सी बार कि यार बहुत ही माइल्ड से बॉडी लोशन हमें यूज़ नहीं होंगे क्योंकि विंटर है, तो हमको थोड़े से ऐसे बॉडी लोशन चाहिए जो हमारी जो स्किन है उसमें जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए और इसको मॉइस्चराइज काफ़ी समय तक करके रखें, तो ये इस काइंड का बॉडी लोशन है। एंड क्योंकि मेरी भी स्किन कुछ इसी तरीके से है कि मुझे भी काफ़ी समय, मुझे ऐसा चाहिए रहता है कि जो बहुत ज़्यादा समय तक मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखे, क्योंकि स्किन मेरी जो विंटर में ड्राई है और ऑलरेडी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होती जाती है। सो इसको आपको लगाना कैसे है, तो आपकी बॉडी पे मसाज करना है एंड बॉडी पे इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड बेस्ट टू बी अप्लाइड फॉर नाइट। अगर आपको इसको बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करना है और आप चाहते हैं कि बॉडी अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करे और बॉडी हाइड्रेटेड हो, तो आपको इसको रात में यूज़ करना है। एंड फॉर डे टाइम फॉलो द SPF 50 सनस्क्रीन बॉडी लोशन। और डे टाइम में आपको जो बॉडी लोशन है इसका, जो उसको ट्राई करना होगा, जो इसका भी रिव्यू मैं आपको अभी शेयर करूँगी। एंड जब भी आप कोई भी शेव करें या वॉन्डेड स्किन है तो आपको इसको यूज़ वहाँ पर नहीं करना होगा। सो ये जो बॉडी लोशन है ये है फॉर स्मूथ रफ एंड बम्पी स्किन के लिए। सो इसके अंदर ग्रेपवाइन है, ब्लूबेरीज है। सो जो इसका जो एक्सट्रैक्ट से ये स्किन को बहुत अच्छे से, स्किन की पॉलिशिंग को बनाए रखता है, स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है एंड काफ़ी समय तक जो आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेट करके रखता है। सो ये जो बॉडी लोशन है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है और बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है। मस्ट ट्राई दिस। ये विश केयर की सनस्क्रीन बॉडी लोशन। एंड ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें UVA एंड UVB दोनों हैं। एंड इसमें जो SPF है वो 50 PA++++ है। सो अब ये SPF 50 है एंड ++++ ये क्या होता है, तो इस पर भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है कि सनस्क्रीन आपको कौन सी लगानी चाहिए और कैसे यूज़ करनी चाहिए, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा अगर आपको सनस्क्रीन के बारे में पता करना है तो। सो क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैंने ये इतनी सारी चीज़ें अभी इसमें शेयर करी आप लोगों के साथ में तो। सो मैं बात करते हैं इसकी, तो इसमें है नियासिनमाइड, सेरेमाइड्स, कैरेट सीड्स एंड रेसबेरी। एंड ये फॉर एवरीडे सन प्रोटेक्शन के लिए एंड 200 ml की पैकेजिंग के अंदर ये आई है।
विश केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिलिको सल्फेट एंड सिलिकॉन फ्री होते हैं, पैराबेन फ्री होते हैं, तो ये भी जो है वो पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है। एंड इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है कि इसको आपको डे टाइम रूटीन में आपको इसको यूज़ करना है एंड एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर द सन एक्सपोजर। तो सन में बाहर निकलने से पहले आपको इसको 15 मिनट्स पहले इसको यूज़ करना है एंड उसके बाद ही आपको बाहर निकलना है। सो इसके अंदर SPF 50 है जो कि UVA और UVB रेज जो हैं जो हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए, उन दोनों से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंड ये लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है क्योंकि इसके अंदर है हाइरोलिक एसिड एंड सीरेमाइड्स हैं जो कि प्रोवाइड करता है इंटेंस एंड डीप हाइड्रेशन। तो और ये आपकी स्किन को जो है रिपेयर भी करता है। तो इसके अंदर है नियासिनमाइड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बैरिंग एंड ट्रीटिंग योर स्किन, जो कि आपकी स्किन को रिच करता है एंड हेल्प इन रिपेयरिंग एंड ट्रीटिंग योर स्किन। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है इन दोनों के अंदर। सो जो बॉडी लोशन है एंड जो सनस्क्रीन है दोनों में, एंड कोई भी सिलिकॉन पैराबेन एंड सिलिकॉट फ्री है ये प्रोडक्ट्स, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं हुए हैं। आप इनको अपनी स्किन पे इजिली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जो हार्श प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे ही हार्श प्रोडक्ट्स नहीं है। सो गाइज प्लीज गो वंस, अगर आप इनको यूज करना चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी आपको नहीं बताई है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी है, जैसे कि सनस्क्रीन होती है ना जो बिल्कुल वाइट वाइट होती है, वो ये बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे कि अगर आप दूसरी सनस्क्रीन के बारे में मैं आपको बात करूंगी तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आप हमें ऐसा लगता है कि क्या ये हमारी स्किन के लिए सही भी है या नहीं है। सो जब मैं इस सनस्क्रीन को अभी यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे, तो बिल्कुल बॉडी लोशन की तरह ये स्किन को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करती है, रिपेयर करती है, प्लस ये सनस्क्रीन का भी वर्क कर रही है। तो दोनों चीज़ इसके अंदर फुलफिल होती हैंगी। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। आज का रिव्यू जो था विश केयर का, जो बॉडी लोशन है एंड सनस्क्रीन उसके ऊपर। सो गाइज आई होप ये मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। सो गाइज स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड ज़्यादा से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।